गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हॉल है वो एक रिक्वेस्टेड हॉल वीडियो है, ये एक कलेक्टिव हॉल वीडियो है। इसमें मैं अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाने वाली हूँ और कुछ प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट से दिखाने वाली हूँ। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने कुछ कुर्ता सेट्स मुझे रिव्यू करने के लिए कहा था अमेजोन से, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और मेरे कुछ व्यूअर्स ने कॉलेज गोइंग गर्ल्स, ऑफिस वर्किंग वुमेन्स के लिए हैंडबैग्स हॉल लाने को बोला था, तो वो भी मैं आज कवर करने वाली हूँ इसी हॉल में। और गाइस मेरी एक स्वीट से सब्सक्राइबर ने मुझे कोई वोरंगा का कुर्ता था है उसका रिव्यू करने को बोला है, तो मैं उसको बताना चाहती हूँ मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है। और एक दो व्यूअर्स की और भी रिक्वेस्ट थी, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, जैसे ही मुझे रिसीव होंगे मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी शेयर करूंगी। तो गाइस प्लीज बी पेशेंट। मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ टॉप्स खरीदे थे तो वो भी मैं इसी हॉल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए। और बिना ज्यादा बातें करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि हॉल काफी बड़ा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अमेजोन से मैंने जो कुर्ता सेट्स लिए हैं वो 2 कुर्ता सेट्स लिए हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो पहला कुर्ता सेट देख लेते हैं। तो पहला जो है वो है ये, इसकी ब्रांड मैं बता देती हूँ, ब्रांड है इंडो एरा और साइज मैंने इसमें लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये देखिए ये ऑफ वाइट कलर में है, मेरी एक व्यूअर ने इसकी मुझे लिंक भेजी थी और रिव्यू करने का रिक्वेस्ट किया था, तो इसलिए मैंने इसको बाय किया। ये देख लीजिए इस टाइप की राउंड नेक है, इस पे ये पूरे में एम्ब्रॉयडरी की गई है, नेक पे आप देख पा रहे होंगे पिंक येलो एंड ग्रीन कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी है और थोड़े से नए सीक्वेंस भी जो लगा रखे हैं यहाँ पे वो उतने ब्लिंगी नहीं है इसलिए उतने विजिबल नहीं हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। फुल स्लीव्स है, ऐसे पिंक कलर की पाइपिंग लगा रखी है स्लीव्स पे, बाकी ये पूरा स्ट्रेट फिट कुर्ता है। और इसका जो फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट वाला सिल्क टच में कुछ फैब्रिक है, आप देख पा रहे होंगे इसमें थोड़ी शीन भी है। तो यदि आप ऑफिस वर्किंग वुमेन हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, थोड़ा सोफेस्टिकेटेड, थोड़ा डिसेंट एलिगेंट लुक वाले कुछ ऐसा कुर्ता सेट देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये बाय कर सकते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे काफी पसंद आई है, इसका फैब्रिक भी काफी अच्छा है। इसके साथ मुझे जो रिसीव हुआ है वो ये देखिए, इस टाइप का प्लाजो रिसीव हुआ है। इसका फैब्रिक मैंने वेबसाइट पर जाके देखा, मेंशन किया है लीवा, तो लीवा फैब्रिक आई थिंक काफी अच्छा होता है, फैब्रिक काफी अच्छा है। ये सेमी इलास्टिकेटेड इन्होंने प्लाजो दे रखा है, बैक साइड इलास्टिकेटेड है, आगे से प्लेन है। और ये देखिए इस टाइप का है, सेम क्लोथ में है जिसमें की कुर्ता है और यहाँ पे इन्होंने ये पिंक कलर की पाइपिंग लगा रखी है नीचे हेम एरिया पे। गाइस इसके साथ मुझे जो दुपट्टा रिसीव हुआ है वो इस टाइप का है, ये देखिए ये बहुत ही प्यारा कलर मुझे लगा जो इन्होंने एम्ब्रॉयडरी कर रखी है ना यहाँ कुर्ता पे पिंक कलर की, उससे मैं ही मैचिंग का और इन्होंने पिंक कलर की पाइपिंग भी लगा रखी है, उसी की मैचिंग का इन्होंने ये दुपट्टा दे रखा है पिंक कलर में। ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारे से फ्लोरल प्रिंट्स किए गए हैं बड़े बड़े से, आप देख पा रहे होंगे। और बॉर्डर में ऐसा बॉर्डर गोल्डन कलर का ऐसा बॉर्डर है इसका, तो ये इस टाइप का दुपट्टा है। दुपट्टा की लेंथ भी अच्छी है, कम नहीं दी है इन्होंने, दुपट्टा भी काफी सुंदर है इसका। और गाइज इसमें 2-3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, आई थिंक थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयडरी में डिफरेंस होगा, बाकी फैब्रिक और पैटर्न सेम ही था, आई थिंक ग्रीन ऑरेंज और पिंक कलर ऑप्शंस और अवेलेबल थे। तो यदि आप ये कलर प्रेफर नहीं करते तो आप दूसरे कलर ऑप्शंस भी देख सकते हैं। और प्राइसेस मैं स्क्रीन पे मेंशन करूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट कुर्ता सेट है
वो भी अगेन रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट किया था मुझे किसी ने रिव्यू करने को, तो वो है ये देखिए, ये कॉफी ब्राउन कलर में है, फैब्रिक है इसका कॉटन, बहुत ही अच्छा वाला कॉटन है, सेम ब्रांड इंडोएरा से है और साइज मेरा है इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल। ये देखिए, ये भी स्ट्रेट फिट कुर्ता है, ये मुझे काफी लॉन्ग आने वाले हैं क्योंकि काफी लॉन्ग है। आपकी हाइट अच्छी है, एवरेज है, तो आपको ठीक आएगा। मेरी हाइट क्योंकि कम है इसलिए मुझे सभी आउटफिट्स थोड़े लॉन्ग ही आते हैं। इसकी नेक देख लीजिए, नेक है राउंड और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने ये इसके नेक से चेस्ट एरिया तक एक सेल्फ डिजाइन क्लोथ लगा रखा है। ये पूरा सेल्फ डिजाइनिंग है, ना ये एम्ब्रॉयडरी है ना ये प्रिंट, एक सेल्फ डिजाइन क्लोथ है। ये आप मैं देखिए आपको क्लोजअप लुक देख रही हूं तो आप समझ में आ रहा होगा, इस टाइप का इन्होंने ये दे रखा है। यहीं पे यहाँ पे इन्होंने ऐसे गोल्ड की हल्के से जो गोल्ड है, ज्यादा ये ब्लिंगी नहीं है, उसका इन्होंने यहाँ पे बॉर्डर लगा रखा है। स्लीव्स पे स्लीव्स इसकी फुल ही है और बाकी फिर ये प्लेन है, ये देखिए। और इसमें बैक में भी पूरा प्लेन है। इसके साथ मुझे जो गाइस रिसीव हुआ है वो है ये देखिए, ये भी एक प्लाजो है, सेम कॉफी ब्राउन कलर में है, सेमी इलास्टिकेटेड है और हेम एरिया पे इन्होंने यहाँ पे ऐसे गोल्ड कलर का, ये देखिए ऐसे जैसे इन्होंने स्लीव्स पे लगा रखा था ऐसे इन्होंने अब बॉर्डर लगा रखा है प्लाजो पे। और इसके साथ मुझे जो दुपट्टा रिसीव हुआ है वो भी ये कुछ ये साउथ कॉटन जो फैब्रिक होता है उसमें कुछ रिसीव हुआ है। ये देखिए नीचे ऐसे टैसल्स हैं और ऑरेंज और मरून से कलर में रिसीव हुआ है और बीच बीच में यहाँ पे गोल्ड के ऐसे इसमें पैटर्न बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसकी भी लेंथ अच्छी खासी है, दुपट्टा इन्होंने काफी अच्छी लेंथ का दिया है, तो ये भी काफी एलिगेंट काफी ब्यूटीफुल पीस है। कुछ हैंडबैग्स लिए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, तो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये वाला हैंडबैग है एक, तो ये देखिए ये है फास्ट ट्रैक ब्रांड से और ये एक स्लिंग बैग है, इसका मैं दिखा देती हूँ। इसमें आगे ये देखिए ये एक आगे पॉकेट दे रखी है जिसमें आप अपना फोन और भी कुछ कॉइन्स वगैरह कुछ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और पीछे इन्होंने ये एक जिप दे रखी है, ठीक है। और फास्ट ट्रैक गाइस आपको ब्रांड का पता ही होगा, मतलब ब्रांडेड है तो मुझे नहीं लगता है सच कुछ प्रॉब्लम आएगी इसमें। क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी स्टर्डी बैग है। यदि आप कॉलेज गोइंग है, ऑफिस वर्किंग है, वर्किंग वुमेन है और कुछ स्टर्डी और इस टाइप का स्लिंग बैग ढूंढ रहे हैं तो ये देख सकते हैं। तो ये एक ये हो गई, यहाँ पे इन्होंने ये मैग्नेटिक बटन दे रखा है, ठीक है। ये जिप क्लोजर दे रखा है एक और आगे, तो तीन हो गए अभी। और ये देख लीजिए, ये अंदर मेन कंपार्टमेंट इसका इस टाइप का है, इसमें इन्होंने अंदर भी एक जिप क्लोजर दे रखा है जिसमें आप अपने मनी वगैरह और भी कुछ सामान रख सकते हैं। और अंदर का क्लोथ भी काफी अच्छा है, ये काफी इसका मटेरियल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इन्होंने ऐसे ये दे रखा है, देख पा रहे होंगे इस टाइप का, जहाँ पे फोन वगैरह हम रखते हैं। तो ऐसे करके इसमें काफी सारे ये कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं, जिप दे रखी है। तो यदि चीजें आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है मेरी तरह, क्योंकि मुझे अलग अलग कंपार्टमेंट चाहिए जिसमें मैं एक सामान इसमें रखूं इसमें, क्योंकि फिर मुझे मिलता नहीं है, तो उस हिसाब से ये काफी अच्छा है। और कलर भी ये देखिए कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो मुझे लगता है परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है। कलर भी काफी वाइब्रेंट है,
के जो नेक्स्ट टू मैंने हैंडबैग्स लिए वो मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिए, वो मुझे याद है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भी एक स्लिंग बैग है, इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, बहुत सारे कलर्स हैं, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। यहाँ पे इन्होंने ऐसे कुछ ये लगा रखा है, टेडी बियर और स्माइली, और ये देखिए ऐसे इन्होंने ऐसे मैग्नेटिक क्लोजर दे रखा है इसका, इन्होंने यहाँ पे ये हैंग करने के लिए ये भी दे रखी है। तो इसमें ये देखिए, इसमें आगे पीछे कोई जिप नहीं है, पर इसमें अंदर ये मेन कंपार्टमेंट में अंदर एक ये जिप दे रखी है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये जिप दे रखी है और एक ये दे रखा है जहाँ पे आप फोन वगैरह रख सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी रिव्यूज मैंने इसके पढ़े, रिव्यूज इसके काफी अच्छे थे और अंदर का मटेरियल भी इसका काफी स्टर्डी लग रहा है मुझे, तो ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यदि आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स वगैरह हैं तो डेफिनेटली इसको एक बार देख सकते हैं, इसमें कलर का ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल थे। इसकी ब्रांड में बता देती हूँ, एक्सोटिक ब्रांड से है ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। नेक्स्ट बैग है वो भी अगेन एक्सोटिक से है, इनकी पैकिंग भी काफी अच्छी होके आई थी, ये देखिए ऐसे पैकिंग और बबल रैप होके आई थी, ऐसे फोम वाली जो रैपिंग होती है उसमें आई थी। तो ये थोड़ा बड़ा हैंडबैग है, ये इट्स एग्जैक्टली नॉट स्लिंग बैग, इट्स अ हैंड बैग, ये भी एक्सोटिक ब्रांड से है। इसमें भी बेज व्हाइट कलर अवेलेबल था, मैं आपको ब्लैक दिखा रही हूँ, मैंने ब्लैक ऑप्ट किया। तो इसमें ये देखिए, एक तो बैग में ये दे रखी है, ये किसी गाइस मुझे हाई एंड ब्रांड से कम नहीं लग रहा, देखने में ऐसा ही लग रहा है, उसकी क्वालिटी भी मुझे ऐसी ही लग रही है। और तो पीछे एक जिप दे रखी है, यहाँ पे ये मेन कंपार्टमेंट है, इसमें अंदर देख लेते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे इसको हैंग करने के लिए दे रखी है, ठीक है। तो इसमें बीच में एक जिप है, आप देख पा रहे होंगे, मैं इसके थोड़े ये रैपर्स हटा देती हूँ तो आइडिया हो जाएगा। माय गॉड कितने सारे भर रखे हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो ये देखिए आप, अंदर एक जिप क्लोजर है जिस जो बीच में है, तो टू मेन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हो गए, और फिर यहाँ पे एक और जिप दे रखी है। तो ये इस टाइप का हैंडबैग है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है गाइस, तो डेफिनेटली आप अफोर्डेबल रेंज में कुछ देख रहे हैं हैंडबैग्स वगैरह, तो इस ब्रांड को चेकआउट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। नेक्स्ट मैंने कुछ टॉप्स लिए हैं फ्लिपकार्ट से, तो पहला टॉप देख लीजिए, इस टाइप की पैकिंग में आया, और ये किस टाइप का लगता है आप देख भी पा रहे होंगे, काफी अच्छी पैकिंग में आया, ऐसे जिप क्लोजर वाले बैग में आया है, और ये मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा लेंथ वाइज कम है, एक क्रॉप टॉप ही आप इसको बोल सकते हैं, इस तरह का है ये देखिए। इसकी ब्रांड इन्होंने ये धुनकी दे रखी है, धुनकी धुनकी वाला सॉन्ग याद आ गया। तो इसकी स्लीव्स बेल स्लीव्स है, और ऐसे रैप टॉप है, और यहाँ ऐसे बांधने को है, इसमें आप देख पा ही रहे होंगे किस टाइप का है ये, बाकी मैं मॉडल की पिक्चर मेंशन करूंगी, ट्राई ऑन पार्ट में आप देखेंगे। तो ये जो फैब्रिक है काफी स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, क्वालिटी मुझे इसकी काफी पसंद आई है। तो यदि आप कोई क्रॉप टॉप देख रहे हैं, और गाइस मैं क्रॉप टॉप्स हॉल मिंत्रा का एक ह्यूज कर चुकी हूँ, मैंने काफी सारे क्रॉप टॉप्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, नहीं देखा है तो वीडियो आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगी मैं, उसकी जरूर जाके देख लेना, वो भी एक रिक्वेस्टेड हॉल वीडियो था बाय द वे। तो ये इस टाइप का टॉप है, इसका फैब्रिक कुछ पॉलिएस्टर फैब्रिक ही है, काफी इलास्टिक के मतलब स्ट्रेचेबल फैब्रिक है इसका। तो ये मस्टर्ड येलो कलर में लिया है मैंने, इसमें भी आई थिंक कलर ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल थे। टॉप है वो है ये मरून कलर में है, ये है फॉर एवर 21 से,
और फ्लिपकार्ट से ही लिया है मैंने। साइज इसमें है मेरा, साइज क्या है, साइज इसमें है स्मॉल। तो ये देखिए इस टाइप का है, ये स्मोकिंग डिटेल टॉप है, पूरा ऐसे फिटेड आएगा। और ये एग्जैक्टली क्रॉप टॉप भी नहीं कह सकते, क्रॉप टॉप से थोड़ा सा ज्यादा लेंथ है इसकी। और स्लीव्स देख लीजिए, इस टाइप की नेट स्लीव्स है, पूरी ऐसे पफ स्लीव्स, बलून स्लीव्स आएंगी। इसकी स्लीव्स की वजह से मैंने इसको लिया, तो इस टाइप की स्लीव्स आएंगी। टॉप है वो मैंने ये लिया है, ये है ब्रांड दे रखी है प्रेटी लविंग थिंग्स। तो ये फैब्रिक इसका पॉलिएस्टर है, पूरा प्रिंटेड टॉप है। और आप देख पा रहे होंगे ऐसे चेस्ट एरिया पे इन्होंने ऐसे कुछ प्लीट्स डिजाइन बना रखा है, और उससे नीचे इन्होंने ऐसे इसमें यहाँ पे ऐसे इलास्टिक लगा रखी है, थोड़ा इलास्टिकेटेड, मतलब यहाँ से चेस्ट से नीचे एरिया पर ये ऐसे फिटिंग वाला आएगा। ये देखिए बैक से इस टाइप का है। और इसका जो नेक है, नेक आप देख पा रहे होंगे से वाइड स्क्वायर नेक है इसका। स्लीव्स देख लीजिए, ऐसे हाफ स्लीव्स हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे इलास्टिक जैसा कुछ लगा रखा है। तो इसका फैब्रिक बहुत मुझे ग्रेट तो नहीं लगा, ठीक ठाक है, पॉलिएस्टर फैब्रिक है। बाकी ट्राय ऑन पार्ट में आप देखेंगे कि हाउ डज इट लुक। नेक्स्ट टॉप है गाइस, वो भी फॉरएवर 21 से है। ये क्रॉप टॉप है, आई थिंक इस बार क्रॉप टॉप्स ज्यादा हो गए हैं मुझसे लेने में, पहले रिक्वेस्टेड हॉल वीडियो किया था और इस बार भी। और ये साइज स्मॉल है, मैंने ट्राई करके देखा था पर मुझे ये काफी लूज पड़ा, मुझे आई थिंक एक्स्ट्रा स्मॉल लेना चाहिए था। तो ये देखिए गाइस, इस टाइप का ये टॉप है, ये है ब्रांड फॉरएवर 21 से। और इसका फैब्रिक काफी स्ट्रेचेबल है, फैब्रिक तो नो डाउट काफी अच्छा है, क्योंकि फॉरएवर 21 एक काफी अच्छी ब्रांड है। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज अगेन अ क्रॉप टॉप। तो ये देखिए, ये है ब्रांड सेकंड हाफ से, साइज मेरा है इसमें स्मॉल। ये देखिए, ये क्रॉप टॉप है और पूरा ऐसे इसकी ऐसे नेक पूरी क्लोज है। इसमें एक और कलर ऑप्शन अवेलेबल था व्हाइट में, पर उसका प्रिंट कुछ अलग था, इसका प्रिंट की वजह से मैंने लिया गाइस। इसका प्रिंट देखिए, मुझे प्रिंट इसके काफी अच्छा लगा। एक्चुअली ये क्रिसमस वगैरह टाइम पे काफी अप्रोप्रिएट रहता पहनने को। ये देखिए, इसमें सेंटा ऐसे क्रिसमस ट्री ये सब प्रिंट बना हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने इसकी जो नेक दे रखी है, मैंने इसको ट्राई करके देखा था, ये काफी छोटी दे रखी है। एक्चुअली थोड़ा आपको इसको अंदर डालने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। आई थिंक ये थोड़ा इनको जो नेक एरिया है इसका बड़ा देना चाहिए था, यही मुझे इस टॉप में प्रॉब्लम लगी। बाकी इसका फैब्रिक, डिजाइन, पैटर्न, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और यदि आप क्रॉप टॉप ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है अफोर्डेबल रेंज में। बस इसका नेक का मुझे एक इश्यू लगा जो मैंने आपको बताया।
फॉर दिस वीडियो. ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने जो आपके साथ आउटफिट्स जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे वो आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर किया, तो ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स और सजेशंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा. और वीडियो पसंद आ गई हो तो गिव इट अ प्लीज बिग थम्स अप. और मेरे चैनल पे यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियोस लाइक कर रहे हैं और वीडियोस पसंद करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सब्सक्रिप्शन इज टोटली फ्री. उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर सके. तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड बाय बाय.